मैक्रोटेक का एक्जूम का चार्जर है, एक्जूम मॉडल में मैक्रोटेक का। इसमें जो अगला कारीगर जो कारीगर पास है वह मेरे पास तीन है, उसका कहना बार बार मॉसफेट जल जा रहा है, जलने का बहुत सारा रीज़न हमें भी पाए इसमें, सोचा आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दे इसके बारे में। एक सेकंड देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ा होता है पन्नी, ठीक है, पन्नी गल जाने के कारण ये शॉर्ट हो जाता है, इसलिए ये महंगा मिलता है मार्केट में। कोई एम्पलीफायर के शॉप में जाइएगा, बोलिएगा 1947-5216 हिस्टिंग आती चाहिए, मतलब एम्पलीफायर की दुकान में जाइएगा ना, ये आपको मिल जाएगा। इसी में डाल के इसको बढ़िया से मॉसफेट टाइट करें, और देखिए इसका इंडक्टर कॉइल भी एकदम धज्जी उड़ा के एकदम बांधा है, ऊपर से यहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर दिया गया है, एम्पियर तो ज़्यादा खुलेगा ही। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं मेरे पास क्या क्या फॉल्ट निकलता है, वीडियो में बने रहे। 50 49 मेरा नंबर है। तो इसमें हमने मॉसफेट भी डाल दिया है, प्लस बार्निश जो है ना इस क्वाल में दी हैं, लूज लग रहा था। यहाँ पे देखिए हम रेजिस्टेंस को मैच करवाए हैं जो लटका प्लट था। चलिए अब इसको बैटरी लेने देते हैं, इसे तो एसी वहाँ डाल चुके हैं हम है। अब एसी देखते क्या होता है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए यहाँ से 48 वोल्ट हम दे देते हैं इसको, क्या रिजल्ट मिलता है। बॉल्ब ब्लिंक करना स्टार्ट होते, चार्जर ऑन हो गया है फ्रेंड, फैन भी चलने लगा। चलिए इसका पहले सबसे बड़ा होता है एम्पियर देखना, एम्पियर तो कुछ ज़्यादा ही नहीं दे रहा है। देखिए फ्रेंड धीरे धीरे एम्पियर उठ रहा है, 12 से ज़्यादा जाएगा फ्रेंड तो चार्जर की लेंथ तुरंत काट देंगे। 10 पे ही है अभी भी फ्रेंड, इसका कुछ ना कुछ फॉल्ट है, वो ना हो 41-47 इंजीनियर भी डैमेज हो सकता है। चलिए फ्रेंड 10 एम्पियर पे है, क्या वो किसका